दोस्तों व्हाट्सएप पर नया अपडेट आने के बाद आप सभी सोच रहे होंगे कि व्हाट्सएप पर फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाएं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप सभी को सारी जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को करना है कि आप व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो इस तरीके से व्हाट्सएप एप्लीकेशन का होम पेज दिखाई देगा। अब आप सभी देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे एक डीपी आप सभी की दिखाई देने लगेगी। अभी से आप डीपी पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से नया इंटरफेस खुल गया, चेंज हो गया है। अभी अपडेट आने के बाद ये चेंज हो गया। अब यहाँ पे आप सभी को प्राइवेसी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद आप सभी को स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे आना है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक डिसेबल्ड है, आप सभी को इनेबल करना है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसे इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद ये फिंगरप्रिंट पूछेगा, आप सभी को यहाँ पे पीछे उंगली लगा लेना है जहाँ पे फिंगरप्रिंट हो। आप लगाने के बाद इमीडिएटली आ जाएगा, या 1 मिनट या 30 मिनट कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इमीडिएटली सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बैक कर लूँगा। जैसे मैं बैक करूँगा फिर उसके बाद व्हाट्सअप ओपन करूँगा तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे लॉक लग चुका है। इस तरीके से व्हाट्सअप पर आप आसानी से लॉक लगा सकते हैं। मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये लॉक तभी काम करेगा जब आपके मोबाइल पर एक्चुअली में फिंगरप्रिंट लॉक होगा, तभी ये लॉक वर्क करता है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन जरूर कर लीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।